काफी सारी लव स्टोरीज होती हैं, लेकिन ये थोड़ी टू मच है, क्रेजी स्टोरी है. लव स्टोरी है लेकिन इसमें जो कैरेक्टर्स हैं दोनों के, हीरो और हीरोइन की, अरमीना और मेरे जो कैरेक्टर्स हैं वो टू मच है. बॉलीवुड की या दुनिया की सबसे कंफ्यूज्ड औरत फिल्म है ये, और मैं फिल्म में बहुत बड़ा कैसिनो प्ले कर रहा हूँ. तो ये लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं और क्या केओस होता है, क्या फन होता है, क्या हैप्पीनेस होता है, इसके बारे में है. टू मच. आपको लगता है कि औरत की बाकी जो महिलाएं होती है वो कंफ्यूज होती हैं, लगता है? नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल होती है. आप भी राजी होंगे इसमें. इनडिसिजन जरूर होते हैं लेकिन आई डोंट थिंक वो कंफ्यूज होती है. मुझसे सब मर्द सहमत होंगे कि औरतें हाँ होती, थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज होती है, क्वेश्चन मार्क होता है. तो रिलेशनशिप में जब आती हैं, अगर रिलेशनशिप होता है तो उसमें कंफ्यूजन अगर हो लिव इन रिलेशनशिप में, तो क्या मज़ा आ सकता है और क्या ह्यूमर आ सकता है, ये मैंने पोर्ट्रे करने की कोशिश करी. तो फिल्म पोस्टर में दिखा देंगे तो फिल्म में आपको कुछ दिखेगा नहीं. फिल्म में आपको दिखेगा काफी कंफ्यूज. I think definitely men are more confused. जी गाने लॉन्च कर रहे हैं, काफी बड़े सिंगर्स ने फिल्म के लिए गाना गाया है. कुणाल कांझा वाला सर है, सलीम सुलेमान है, अदनान सामी ने टाइटल ट्रैक गाया है, और काफी सालों बाद हैरत के बाद लकी अली ने गाया है. तो इतने बड़े बड़े सब सिंगर्स हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे लिए प्लेबैक किया है. बहुत बहुत खुश हूँ. एक्साइटमेंट बहुत है, नर्वस भी हूँ मैं. आपसे जब बात कर रहा हूँ भी नर्वस हूँ. लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट भी है. और हम लोग बहुत क्यूरियस हैं कि फिल्म जब रिलीज होगी तो लोगों को हमारा काम पसंद आना चाहिए, परफॉर्मेंस पसंद आना चाहिए. और इसी उम्मीद पे हम लोग खड़े हैं. हम लोग I'm very excited about the film as well, and this is my first Bollywood film, so hopefully, all fingers crossed, toes, everything. जी मैंने मराठी में 8-9 फिल्म करे हैं एज ए हीरो, और EMI मेरी फर्स्ट फिल्म है. उसके बाद इट्स टू मच मैंने करी, क्योंकि मैं बहुत यशराज और करण जौहर फिल्म का बहुत बड़ा फैन हूँ. तो मुझे ऐसा कुछ करना था, कैंडी फ्लॉस, जो कलरफुल हो, फ्रेश हो, वाइब्रेंट हो. तो मुझे काफ़ी सालों से ऐसा कुछ खुद करना था, तो मैंने ये ठान ली और मैंने इट्स टू मच कर दी. सारा टफ है. ये मेरी टीम की वजह से मैं पुल ऑफ कर पाया. मेरी टीम बहुत अच्छी है. लंदन का क्रू था, इसलिए बहुत एक्सपर्ट थे. उनके हेल्प और सपोर्ट की वजह से मैं ये सब पुल ऑफ कर पाया. सारे एक्टर्स भी, अभी अरमीना भी, उनकी पहली फिल्म है लेकिन आपको लगेगा नहीं उनकी पहली फिल्म है, बहुत अच्छा काम किया है. तो इन सब की वजह से मुझे बहुत सपोर्ट हुआ. हालांकि सब मुश्किल है करना, लेकिन मेरे क्रू की वजह से, कास्ट की वजह से मैं कर पाया. लाइफ में कभी कहा है आप लोगों ने कभी टू मच? सर बहुत बार रोज कहता हूँ मैं, महंगाई बढ़ती है टू मच बोलता हूँ, गर्म गर्मी होती है तो इट्स टू मच बोलता हूँ, लड़की परेशान करती है तो इट्स टू मच बोलता हूँ. मैं तो हर वक्त ही कहती हूँ. ये तो हर वक्त ही कंफ्यूज होती है और हर वक्त कहती है इट्स टू मच. सीन जब आप घुमा रहे हो तब आपने कहा कर रहे हो आपने? हाँ, डोवर. एक लोकेशन थी क्लिफ्स ऑफ डोवर लंदन में, वहाँ पे ठंड बहुत -2 -3 था, और एकदम क्लिफ पे था, हाइट पे था. तो वहाँ पे चेंजिंग के लिए कुछ नहीं था, वैनिटी ना कोई नहीं थी, और कुछ असिस्टेंस नहीं था, कुछ सपोर्ट नहीं था. तो वहाँ पे सब क्रू ने बोला है कि इट्स टू मच मैन, हम लोग को यहाँ से निकलना चाहिए. आपके माइंड में आई कहाँ से नहीं, मैं थोड़ा सा पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने प्रेरित हुआ हूँ मैं, कि पर्सनली मेरे लाइफ में जो लड़कियाँ थी, जो लड़कियाँ थी फ्रेंड्स थी कुछ गर्लफ्रेंड्स थी, तो उनका बिहेवियर या अप्रोच
थोड़ा कंफ्यूज होता था और कभी कभी मैं बहुत इरिटेट होता था, फ्रस्ट्रेट होता था कि यार ये क्या है। एक पॉइंट पे आदमी ये हो जाता है कि अरे बस कर दो, इट्स टू मच। मैं तो मैं मुझे लगा कि ये अगर एक फनी वे में पोर्ट्रे करें तो काफ़ी अच्छा होगा। ऑडियंस क्या कहेंगे, इट्स टू मच या इट्स अच्छा? नहीं, ऑडियंस मुझे यही उम्मीद है कि ऑडियंस एक ये फील गुड फिल्म है तो थिएटर में आएगी, हंसेगी और जाएगी। Thank you. Thank you. Thank you.